के अंदर इतने बड़े हिट हुए हैं, हमको उस फिल्म से कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन फिल्म अभी रिलीज नहीं हुआ है, फिल्म रिलीज होने दो, फिल्म रिलीज होने से पहले हम सेंसर बोर्ड से अपील करेंगे कि इसके अंदर कोई भी ऑब्जेक्शनेबल वर्ड हो वो निकाले जाए या फिर मूवी ही बैन की जाए। उसमें क्या ऑब्जेक्शनेबल वर्ड? मीडिया के होकर के अगर आप ये क्वेश्चन करोगे तो फाइज इन फाइज कि ये सॉन्ग को आप गूगल में टाइप करिए, केरलाइट लैंग्वेज को आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करिए, आपको समझ में आ जाएगा कि हम लोग कंप्लेन क्यों कर रहे हैं। ठीक है ना, ये हमारे मुस्लिम्स के लिए सेंटिमेंट हर्ट हुआ है, इसीलिए हम जो है ना इसको कंप्लेन कर रहे हैं। हमको कोई पॉपुलरिटी गेन नहीं करनी है, हमको कोई शोबाजी नहीं करनी है, हमको सिर्फ ऑब्जेक्शन है उस लिरिक्स से। वो लिरिक्स जो है ना उस गाने में नहीं आने चाहिए थे, वो ऑब्जेक्शनेबल है, समझे ना, ये इसीलिए हमने कंप्लेन किया हुआ है। और सेटिंग है तो गाना रिलीज नहीं होना है, उस तरह का गाना रिलीज होना नहीं चाहिए। ठीक है ना, वो अगेंस्ट इस्लाम के अगेंस्ट है। ठीक है ना, केरला से मुझे बहुत सारे कॉल आए, केरला से बोला जा रहा है कि 35 साल से वो गाना प्ले हो रहा है, वो गाना प्ले हो रहा है बहुत गलत तरीके से गाना प्ले होता है, वो अपने घरों में प्ले करें, बाहर नहीं आना चाहिए स्क्रीन पर वो उस तरह के वो गाना तो ठीक है, लेकिन बीच में हमारे प्रॉफिट का जो नाम लिया जा रहा है, जो जिस तरह के बताया जा रहा है कि जो ना उनकी के बारे में बताया जा रहा है कि उन दोनों के बीच में इस तरह का लव था, इस तरह का प्यार मोहब्बत थी, वो गलत है, वो होना नहीं चाहिए। ठीक है ना, वो हमको हीरो हीरोइन से कोई हमारा मतलब नहीं है, वी हैव नो ऑब्जेक्शन विद द हीरोइन और हीरो और एक्टर डायरेक्टर, वी हैव नो ऑब्जेक्शन, बट अगर फिल्म में कुछ होगा उससे पहले हम लोग एक्शन ले लेंगे। अगर हम लोगों को फिल्म में अगर फिल्म रिलीज होने से पहले अगर हमको पता चलेगा कि उसके अंदर कुछ है तो वी रिक्वेस्ट टू द सेंसर बोर्ड, हम लोग लीगल एक्शन अभी लेने के लिए जा रहे हैं और सेंसर बोर्ड से हम अपील करते हैं कि इस तरह के कोई भी एक्शन उसके अंदर अगर हो तो उसको डिलीट किया जाए। मेरा नाम मीर जहीरुद्दीन अली खान है और इस गाने के, और इसलिए हम लोगों ने कंप्लेन करने के लिए आया।